बहुत हमारे दोस्त हैं जो मेरे से पूछते हैं डिस्क बल्ज क्या होता है। आज मैं आपको इस एमआरआई के जरिए बताता हूँ डिस्क बल्ज क्या होता है। ये एमआरआई का एक T2 इमेज है। ये हम रीढ़ की हड्डी को साइड से देख रहे हैं जिसको सेजुरल इमेज कहा जाता है। अगर हम देखें तो रीढ़ की हड्डी ऐसे मनकों की बनी होती है। ये एक मनका है, ये डिस्क है, ये फिर मनका है और ये डिस्क है। तो अगर आप डिस्क में देखें, ये अंदर ये जेली होती है जो वाइट दिखती है, और इसका जो पीछे का भाग होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्मूथ होता है। अगर हम नीचे देखें तो ये L4 मनका है और ये L5 मनका है। L4 और L5 के बीच की जो डिस्क है, अगर आप देखें ध्यान से, तो ये पीछे थोड़ा सा बल्ज कर गया, बाहर की ओर निकलाया है। इसी तरह L5S1 का जो ये पीछे का हिस्सा है थोड़ा बाहर की ओर निकलाया है, इसको डिस्क बल्ज कहा जाता है। इसी MRI को जब हम काट के एक्सियल सेक्शन क्या है, जिसमें MRI मशीन ऐसे कट्स लेती है डिस्क के लेवल पे। तो अगर हम इधर देखें, ये L2 L3 जो नॉर्मल डिस्क है, ये आगे का हिस्सा है जहाँ पेट होता है, ये पीछे का हिस्सा है जहाँ नसें होती हैं। अगर आप डिस्क का पीछे का हिस्सा देखें तो ये कॉन्केव, चांद की तरह होता है, ये कॉन्केव सरफेस होता है, ये नॉर्मल होता है। उसी तरह अगर हम L3 L4 डिस्क देखें तो ये भी कॉन्केव या नॉर्मल है, लेकिन L4 5 यहाँ डिस्क बल्ज, अगर हम इसमें देखें तो ये पीछे का सरफेस कॉन्वेक्स हो गया। अगर आप देखिए, थोड़ा सा बल्ज बाहर की ओर निकलाया है और ये बल्ज आउट कर रहा है या कॉन्वेक्स हो गया है, इसको डिस्क बल्ज कहा जाता है। उसी तरह अगर हम L5S1 देखें तो ये स्ट्रेट हो गया है, ना कि कॉन्केव नहीं रहा, तो इसी को डिस्क बल्ज कहा जाता है। अगर हम इसको वैसे समझें तो जैसे अगर हम बोले एक बॉल है जो पानी से भरी हुई है, अगर हम उसके ऊपर बैठे तो बॉल थोड़ी सी बल्ज कर जाएगी, उसको डिस्क बल्ज कहा जाता है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, हम बॉल से उठते हैं तो बॉल अपनी नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाती है, लेकिन जब डिस्क बल्ज हो जाता है तो आप समझिए कि हम बॉल से उठे लेकिन बॉल वैसे की वैसी थोड़ी सी पिचकी रहेगी, थोड़ी सी फूली हुई रहेगी, क्योंकि जैसे MRI में हम लेटे 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 पोजीशन में करते हैं, तो लेटे लेटे पोजीशन में हमें नज़र आ रहा है कि ये बॉल थोड़ी सी बल्ज आउट कर रही है, पिचक रही है, इसको डिस्क बल्ज कहा जाता है। और कुछ केसेस में ये डिस्क बल्ज कमर दर्द या शियाटिका का कारण बन जाता है।